शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग। वो बेचारी दुनिया में बिल्कुल अकेली है सर। और जो क्या कौन बेचारी? हाँ, वही तो मैं आपसे कहने जा रहा था। इस दुनिया में भी कैसे कैसे बेजा लोग रहते हैं। बेचारी का सामान उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया। अब आप ही बताइए, वो हमारे देश के बारे में क्या सोचेगी? मिस्टर जय, वो कुछ सोचेगी तो नहीं। हम लोग तो कुछ सोचते भी नहीं। हाँ, आजकल के लड़के कलमों में फाद देते रहते हैं और लड़कियां फिल्म स्टार्स के सपने देखती रहती। दूसरों के दर्द में दुखने की हमारे दिलों में फुर्सत ही कहां। अब मेरा दिल तो बहुत दुखता है सर, इसलिए तो लेट हो गया। लेट हो गया? लेट होने में और दिलों के दुखने में क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है सर। अब आप ही बताइए। मैं उसे फुटपाथ पर अकेला तो छोड़ नहीं सकता था। उसे हॉस्टल में दाखिल कराने गया, इसीलिए देर हो गई। और मैंने तो उससे यह भी कह दिया है कि आप उसे इसी फॉर्म में रख लेंगे। नो नो नो, आई कांट प्रॉमिस यू। मैं तुम्हें वादा नहीं कर सकता। क्या ढूंढ रहे? लड़की। लड़की? लड़की तुम्हारे पॉकेट में नहीं हो सकती है सर। मैं मतलब लड़की नहीं, फोटोग्राफ। ये सपनों की रानी कैंपेन के लिए कैसी रहेगी? ठीक है, लेकिन फोटो से आदमी का कहीं पता नहीं चलता। तो वैसे क्यों नहीं करते, कल इसे यहीं बुला लो, यहाँ नहीं तो कहीं और लगा देंगे। थैंक यू सर। और हाँ जी, मैं तुम्हें वादा नहीं कर रहा हूँ। यस सर, आई मीन नो सर। तुम्हारा करियर भी तुम्हारे फ्लैट की चाबी से ही खुले। ये चाबी तुम्हारे प्रमोशन की कीमत है। लेकिन सर वो लेकिन छोड़ो, अगर आत्मा कुछ गड़बड़ करे तो डांटो उसे। यस सर, पर आत्मा को बोलने का तो समय ही नहीं मिलता सर। आधी रात के बाद जब मैं घर जाता हूँ तो स्लीपिंग पिल लेकर सो जाता हूँ। बचा दिन, दिन को इतना हंगामा रहता है कि बेचारी आत्मा पास आते डरती है। देखो जय, अगर दुनिया में तरक्की करना चाहते हो तो एक बात का ख्याल रखो, और वो ये कि इस दुनिया में पैसे के सिवा हर चीज नकली है, क्योंकि पैसा इंसान से लेकर भगवान तक हर चीज खरीद सकता है। इस दुनिया में हर चीज बिकती है। यस सर। लेकिन इस व्यापार का सबसे बड़ा दुश्मन दिल होता है। लोग माँ बाप बहन भाई प्यार लगाव इन बातों में आकर अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। यस सर। आई से वाई हैव अ वाइफ ही, पत्नी की क्या जरूरत है जी? ए भाई, जब पर्स की छोटी सी जेब में दुनिया की सारी रंगीनियां नजर आती हैं, तो घर बसाने की जरूरत क्या है? लेकिन सर, शादी तो एक पवित्र बंधन होता है। पवित्रता माई फुट, प्यार और मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं। खैर छोड़ो, तुम इन बातों को नहीं समझोगे। नो सर। यस सर। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस सर। लेकिन सर, आपके पास जब इतना बड़ा घर है तो आप आप मेरे फ्लैट को। हाँ, लेकिन जिस घर में माँ रहती हो ना, वो घर कभी इतना बड़ा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई आजादी से रह सके। बाय द वे, तुम्हारी माँ जिंदा है? नो सर। खुश नसीब, क्योंकि बैचलर बेटे की जिंदगी में माँ सबसे बोरिंग चीज होती है। जी जी जी। लिखो। डियर सर, आज आप इन कपड़ों में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अरे 20 साल पहले मैं और ज्यादा स्मार्ट लगता था। जरूर लगते होंगे। तुम्हारे दांत पे दांत कैसा लगा? देखो डार्लिंग, इतनी मर्तबा कहा है कि प्यास खा के प्यार मत किया करो। वेरी सॉरी, मैं भूल जाता हूँ। तो मैं तुम्हारी बीवी को खत लिखे देती हूँ कि वो तुम्हें मुँह हाथ धुलाकर अच्छी तरह से भेजा करे। ओ, हजार बार तुमसे कहा कि ऐसे नाजुक वक्त पर मेरी बीवी का नाम मत लिया करो। मेरी आंखों के सामने बीवी बच्चों की तस्वीर घूमने लगती है। सर, वो लेकिन सर ये कागज बहुत जरूरी है, आप इन्हें जरूर देखें। हाँ हाँ, देख लूंगा। अच्छा सुनो तो सही, जय मेरा गुस्सा क्या हुआ? किसका? मेरी दवाई का। दवाई? आज तो मिस्टर दिनेश दत्त। दिनेश दत्त की बारी। अरे ये दिनेश भी अजीब आदमी है,
हमेशा बीच में आ टपकता है, तुम रोज रोज उसे देते क्यों हो? रोज रोज कहाँ सर, आखिरकार वो भी तो मेरा बॉस है। अरे मैं भी तो तुम्हारा बॉस हूँ। खैर कोई बात नहीं, कितने बजे आएगा? कितने बजे? दस बजे तक तो। दस बजे तक आएंगे। दस बजे तक? अच्छा कोई बात नहीं, मैं 11 बजे आऊंगा। नहीं सर, माफ कीजिए, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए, आखिरकार मुझे भी सोना होता है। रोज रोज आप? अरे रोज रोज, हाँ मैं तो कभी कभार आता हूँ। प्लीज जय। हाय जय। मॉर्निंग सर। नमस्ते यार, तुम तो बिल्कुल गायब ही हो गए। क्या करूं, ऑर्डर लेने का काम आजकल दिनेश साहब के पास चला गया। अरे यार दोस्ती भी कोई चीज होती है, आज सुबह से तुम बहुत याद आ रहे। ये तो आपकी मेहरबानी है, पर चाबी आज दिनेश साहब के पास। दिनेश के पास? यार खैर कोई बात, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे हाँ, ये पेपर्स तुम अपने दोस्त अरुण को लौटा देना। माना कि वो एक महान साहित्यकार है, पर हमें इश्तिहार लिखवाने होते हैं, साहित्य नहीं। कहाँ जा रही है? तू वही बात क्यों पूछते हो? इसका जवाब तुम्हें मालूम है? शायद मुझे शर्मिंदा होने का बहुत शौक है तनु, या शायद मैं इस उम्मीद में हूं कि तुम मेरे सवाल का कोई और जवाब दे डालो, या शायद मैं ये देखना चाहता हूं कि प्यार की खार कितनी मोटी है, या शायद तुम ये देखना चाहती हो कि आदमी इस बेदर्द शायद के सहारे कब तक जिंदा रह सकता है। चलो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। बेहद प्यार नहीं, मैं मुझसे हमदर्दी थी। मुझसे शादी करके तुम अपने आप को यकीन दिलाना चाहते थे कि तुम एक महान आदमी हो। तनु, ओह तुमने तो मुझे देर करा दी, मैं जाती हूँ। भाई वाह, आज मालूम पड़ा कि इस घर में वाकई मेरा इंतजार होता है। घंटी दबाई नहीं और दरवाजा खुल गया। सॉरी डे, मैं तो रुक नहीं सकती, पर तुम अंदर तो आओ। अरुण है? रास्ता तो छोड़िए। हाय अरुण द ग्रेट। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है यार, मुझे तनु हो गई। कुछ भी कहो अरुण, सच्चाई तो यह है कि तुम्हें तनु का नाचना गाना पसंद है। रोक दो, मेरे इनकम बढ़ जाए तो डांट कर रहा हूं। लेकिन जय, मेरी मजबूरी को जानते हुए तुम मुझे बार बार खतरा जलील क्यों करते हो? क्या मिलता है तुम्हें? देखो अरुण, पत्नी के टुकड़ों पर पलना बड़ी बेशर्मी की बात है। तुम्हारे कलम की स्याही भी तुम्हारी पत्नी की कमाई से खरीदी है। जय, जय को अपनी आवाज का पत्थर मत मारो। दूसरों की देवताएं पर रोक झाड़ने से पहले यह तो सोच लिया होता कि तुम क्या थे और क्या होकर रह गए। अरुण, हवा के घोड़े से उतरो और चलो इश्तिहार लिखना सीखो। इश्तिहार? यानी अपने आप को बेचना सीखूं? जी हाँ। नहीं जय, मैं बिकने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं बिकने को तैयार हूं। तुम्हारी कीमत अदा करके भी तुम्हें पाना बहुत मुश्किल। तुम्हारी जवानी की आंच मेरे सीने में लग रही है, फिर भी लगता है तुम पास नहीं, क्योंकि यह सौदा दिल का नहीं है। दिल का सौदा मैं करती भी नहीं, ये सौदा सिर्फ बदन का है। मेरे दिल का आईना तो बहुत पहले टूट चुका है, अब तो सिर्फ। अच्छा तो ये तुम्हारा रेडियो है, वहां का प्रोग्राम यहाँ ये हो रहा है? जरा पंखा चला दो ना। पंखा? बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी? गर्मी कहाँ हो रही है? कहते तो साले सब है कि दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, मुझे तो भाई अपनी नींद चाहिए। अरे आई एम वेरी सॉरी। ये मैं किसके फ्लैट में घुसा है?
कोई देख लेता तो बदमाश कहेंगे, जानबूझ के तुम्हें टक्कर मारनी है। ये क्या करें भाभी जी? फिर वही भाभी जी। लेकिन लेकिन आप इस रोड पे क्या करें? और किस रोड पर? मगर इतनी रात गए आप। इतनी रात गए मैं और तुम भी, रात के लोग घर आते हैं और तुम भागते हो। देखिए मेरी बात सुनिए, आप इसी रोड पर रहते क्या? और क्या,